मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर सोमवार को विराम लगाया। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। कमलनाथ थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद सज्जन कुमार वर्मा ने कहा कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने का प्रश्न काल्पनिक है। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वह इसकी जानकारी पहले मीडिया को देंगे। कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से जुड़े सवालों पर संवाददाताओं से कहा, आप लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा। उन्होंने कहा, मैं उत्साहित नहीं हूँ, ना इस तरह ना उस तरफ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को खबर करूंगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही थी। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं और फिलहाल वहां से वह विधायक है। बीते नवंबर में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी कमलनाथ के बीजेपी में जाने के सवाल जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने कांग्रेस के साथ करीब 40 साल बिताए वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।